आखिरकार छठी गए हार के काले बादल। ग्रीन आर्मी ने शुरू की जीत के साथ चहल पहल। बांग्लादेश को बाबर के लड़ाके ने दी पटकनी। काम आई बाबर की प्लेइंग 11 में तब्दीली। गेंदबाजी में शाहीन वसीम ने बिखेरी चमक। बल्लेबाजी में ओपनर फखर अब्दुल्ला ने दिखाई धमक। वर्ल्ड कप 2023 टूर्नामेंट में अगर किसी टीम का खराब दौर चला तो वो है डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और पाकिस्तान। अगर पाकिस्तानी टीम की बात करें तो पहले दो मुकाबले जीतकर बाबर एंड कंपनी ने खिताबी जीत के जरूर पाक फैंस को सपने दिखाए थे, लेकिन जब उनका बड़ी टीमों से सामना हुआ, खासकर टीम इंडिया से, जब पाकिस्तान की भिड़ंत हुई, बाबर के लड़ाके चारों खाने चित हो गए थे। उसके बाद से तो पूरी टीम ही बिखरती दिखी और लगातार चार हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, इस हार में अफगानिस्तान की टीम ने भी बाबर एंड कंपनी को धराशायी किया था। इस शर्मनाक हार के बाद से ही बाबर की कप्तानी और टीम के इंटेंट पर सवाल उठाए जाने लगे। हर तरफ बाबर की कप्तानी को निशाने पर लाया गया, साथ ही टीम के सिलेक्शन पर भी सवाल खड़े किए गए। यही नहीं, वर्ल्ड कप के बीच में ही पीसीबी के चीफ सेलेक्टर पद से इंजमाम उल हक ने इस्तीफा दे दिया। फिर बाबर का व्हाट्सएप प्रकरण भी उछाला गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो ग्रीन आर्मी के लिए यह वर्ल्ड कप बुरी यादों को लेकर आया। सभी दबावों को झेलते हुए पाकिस्तानी टीम कोलकाता पहुंची, जहां ईडन गार्डन्स पर उनका मुकाबला बांग्लादेश से हुआ। बतौर टीम इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने भी काफी डिसअपॉइंट किया। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ तो बांग्लादेश के बैट्समैन पूरे 50 ओवर भी नहीं टिक पाए। इस मुकाबले में बाबर की कप्तानी में कुछ धार जरूर देखने को मिली। वहीं टीम में जो तब्दीली की गई वो भी पाकिस्तान के काम आ गई। ओपनर फखर जमा ने शानदार शुरुआत दी और एक बेहतरीन पारी खेली। साथ ही अब्दुल्ला शफीक भी शानदार लय में दिखे। लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग की बात करें तो वो भी शानदार रही। एक बार फिर से शाहीन शाह अफरीदी पाक टीम के लिए संकट मोचक साबित हुए। इसके अलावा वसीम जूनियर ने भी कमाल की गेंदबाजी की। साथ ही इस मुकाबले में हारिस रऊफ भी लय में नजर आए। कुल मिलाकर कहा जाए तो पाकिस्तानी टीम बॉलिंग और बैटिंग में बांग्लादेश से कहीं ऊपर दिखी। वर्ल्ड कप 2023 टूर्नामेंट का 31वां मुकाबला पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच कोलकाता ईडन गार्डन्स में खेला गया। यहां टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन उनका यह फैसला कारगर साबित नहीं हुआ। बांग्लादेश की पूरी टीम पाकिस्तानी बॉलिंग के आगे घुटने टेकती नजर आई। मैच 45.1 ओवर में पूरी टीम 204 रनों पर ढेर हो गई। बांग्लादेश की तरफ से महमूदुल्ला ने हाफ सेंचुरी पूरी की, वहीं कप्तान शाकिब ने 43 और ओपनर लिटन दास ने 45 रनों की पारी खेली। वहीं जब बारी ग्रीन आर्मी की बैटिंग की आई तो ओपनर अब्दुल्ला शफीक और इमाम की जगह शामिल किए गए फखर जमा ने शानदार बैटिंग करते हुए पहले विकेट के लिए 128 रनों की पार्टनरशिप की, जो इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सबसे बढ़िया शुरुआत है। शफीक 68 रन के स्कोर पर आउट हुए। हालांकि जिस तरह से दोनों ही ओपनर बैट्समैन ने शतकीय साझेदारी की, उसके बाद से तो पाक टीम के लिए ये जीत महज एक औपचारिकता ही थी, क्योंकि अब पाकिस्तानी टीम ने मैच पर पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और यह मुकाबला आसानी से बाबर एंड कंपनी ने अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही पाकिस्तान इस जीत के साथ एक बार फिर से सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना अपने फैंस के लिए छोड़ गया है। अगर कुदरत का निजाम काम करे और बाकी टीमें जो टॉप पर मौजूद हैं पाकिस्तान के हिसाब से हार जाएं तो ऐसा हो सकता है। हालांकि ये क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी भी पाक टीम को सेमीफाइनल से पूरी तरह दरकिनार नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन पाकिस्तान को उसके बचे हुए सारे मुकाबलों में बड़े अंतर से जीत की जरूरत है, ताकि रन रेट के आधार पर कुछ संभावनाएं बनी रहें। पाकिस्तान की आज की जीत पर आप उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर आप अपनी राय लिख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।